उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा आगे के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो जरा सारे बच्चों को ये दिख रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहले ये बताओ। यस सर दिख रहा सर, है। यस सर। अरे काम करो जरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में एक बार जल्दी से रीड करो जरा, इसके बारे में मुझे बताना है। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कशन करना है। किस जगह यूज हो सकते हैं? हाँ वो मुझे पता है, लेकिन तुम लोग रीड तो कर लो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से रीड करो बेटा। और इसके पहले का सारा हो गया ना? हाँ जी, इसके पहले का सारा हो गया, सिर्फ ये रह गया था एक पॉइंट। महारथी इंसान, आपको खुद पढ़ना है बेटा, सबके लिए पढ़ लिया। नहीं तुम सबका छोड़ो, तुम अपना देखो, बाकी सब अपना अपना संभाल लेंगे। चलो भाई सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा अच्छा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, शाबाश, ओके थैंक यू सो मच सर। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने दो। हाँ भाई इसको पढ़ने दो, बीच में बोलो नहीं कोई। पढ़ लिया। अरे भाई, अरे बस सब हो गया नोक जोक। अरे शट अप, तेरे को पता है ना कि मैं वैसे तो बहुत पोलाइट रहता हूँ, लेकिन कभी कभी भड़क जाता हूँ। जी अंकल जी। ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं। करिश्मा पढ़ लिया बेटा? सर स्टार्ट कर दो। ओके चलो, तो देखो बेटा जब हम प्राइस ऑफ सेकेंड, बस बस सुन लो कि लड़ाई, अगर लड़ाई झगड़े खत्म हो गए तो हम जरा पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है? सो अब ध्यान से सुनना, जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपके रिलेटेड गुड्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? और वो दो टाइप के कौन कौन से गुड्स होते हैं? एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और दूसरा बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सर, सारे बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं, मतलब दीज आर दोज गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, इन प्लेस ऑफ ईच अदर, मतलब ये वो गुड्स है बेटा जो एक दूसरे की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक साथ यूज किया जाता है। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पानीपुरी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है? सो दीज आर दोज गुड्स विच कैन यूज टूगेदर, ठीक है? अब हम इसके बारे में जरा बेटा, हमें जो मेन चीज समझनी है वो है इसका प्राइस का रिलेशन, ठीक है? तो मैं आप लोग को कहां पर बताऊं, यहां पर बताता हूं, तो मेरी बात जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? सपोज करो मैं दो गुड्स का एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने ले लिया कोक और बेटा एक ले लिया मैंने पेप्सी। अब एक बात बताओ, क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है? अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि सपोज करो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री भी समझाता हूँ बेटा। लेट सपोज मुझे अगर कोल्ड ड्रिंक पीना है, सपोज करो मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा भैया एक कोक देना, ठीक है? उसने बोला जी सर कोक तो नहीं है, मैंने कहा चलो कोक की बजाय पेप्सी है, उसने बोला हाँ है, तो मैं कहूँगा अच्छा चलो पेप्सी दे दो। सो दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोक अवेलेबल नहीं है तो मैं पेप्सी कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड लेट सपोज अगर मैंने डिमांड की कि मेरे को पेप्सी चाहिए और उसने बोला पेप्सी नहीं है, तो पेप्सी की जगह मैं क्या मांग सकता हूँ? कोक। कोक। कोक मांग सकता हूँ। So this means what? कि these are those goods which can be used in place of each other. अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? Suppose करो हम यहाँ पर price और quantity demand लेते हैं Coke की, और बेटा हम यहाँ पर price और quantity demand लेते हैं Pepsi की। चलो suppose करो 10 रुपए दोनों की अभी price है, ठीक है? अभी price दोनों की 10 रुपए की है। तो एक बात बताओ बेटा, Coke ज्यादा बेटर है या Pepsi? Coke। कोक। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने, ओके ओके बहुत सारे बच्चों ने कोक बोल दिया। तो चलो मैं ये बोलता हूँ कि 10 बच्चे कोक की डिमांड कर रहे हैं और कोई 2 बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेप्सी की डिमांड कर रहे हैं। अब एज अ रैशनल यानी नॉर्मल कंज्यूमर एक बात बताओ, अगर पेप्सी की प्राइस, सॉरी कोक की प्राइस इंक्रीज होकर 15 रुपीज हो जाए बट पेप्सी की प्राइस अभी भी 10 रुपए रहे, तो बेटा फिर कोक की डिमांड सर कम हो जाएगी क्या करिश्मा? 40 की आती है। अरे मैं छोटे वाले बोतल की बात कर रहा था बेटा, ठीक है?
तो सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोक के प्राइस 15 रुपए हो जाए तो बेटा फिर कोक की डिमांड कम हो जाएगी और बेटा फिर किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? पेप्सी की। चलो अब ये चीज तुम लोग को सारे बच्चों को समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बेटा जब हमें रिलेशन समझना होता है ना, तो हम रिलेशन समझते हैं प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी प्राइस ऑफ कोक एंड डिमांड ऑफ पेप्सी। तो एक बात बताओ, अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पेप्सी की डिमांड डिक्रीज कोक और पेप्सी ये दो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब मैं प्राइस ले रहा हूँ कोक की और डिमांड ले रहा हूँ पेप्सी की। तो एक बात बताओ, अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई तो तुम्हारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? पेप्सी पे। सो दैट मींस व्हाट, कि अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हुई तो बेटा क्वांटिटी डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी? पेप्सी की। सो दिस इज नोन एज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंपैक्ट, ठीक है? अब जरा हम एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ के देखते हैं, जरा पढ़ के देखना जरा यहां से यहां तक की लैंग्वेज जल्दी से, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी से पढ़ेंगे सारे बच्चे। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक डाउट था। बोलो, पूछो। सर जैसे टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हो सकते हैं? तो दो अलग चीजें है ना? बात दो अलग चीज की नहीं होती बेटा, सुनो बात दो। करिश्मा बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनो। समय सपोज करो, लेट्स से मैं अगर अपना एग्जाम्पल लू, ठीक है? मेरे हिसाब से ना जितने भी टीचर्स होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट, मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को ना मतलब टी और कॉफी, मतलब टी या कॉफी दोनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, बिकॉज हमारा काम इतना हेक्टिक होता है, हमारा काम इतना स्ट्रेस्ड आउट का होता है। सो इंस्टेंट ऑफ टी या फिर कॉफी दोनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्रोडक्ट मेरे लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि टी नहीं है, चलो भाई कॉफी दे दो, अगर मैं बोलता हूँ कॉफी नहीं है, चलो कोई बात नहीं टी दे दो। पॉइंट समझे सब? वो तो फिर ऐसे तो आप इनकी जगह पे ऐसे तो वो ये भी बोल सकते हो कि नहीं है तो चलो, अच्छा चलो कोल्ड ड्रिंक दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मेरा गला खराब है ना, और मुझे चाय चाहिए, तो मैं बोलूंगा चाय नहीं है, चलो एक काम करो कोल्ड ड्रिंक पिला दो, मेरे को शाम को पढ़ाना, थोड़ा और गला खराब कर ले, पॉसिबल है? नहीं सर, गर्म तो बहुत चीजें होती हैं। मैं को यही मैंने स्कूल के टीचर से डाउट पूछा था, उसने हंस के टाल दिया, कहते लेट मी टीच। बात हंस के टालने की नहीं है, बात ये होता है बेटा कि हर एक कंज्यूमर के अपने अपने सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है? सो दिस सब्स्टिट्यूट इज लाइक कि तुम्हारे लिए, अगर सपोज करो तुम खाने जा रही हो कुछ, ठीक है, तो तुमने अपने दिमाग में दो गुड्स रखे होंगे, या तो मोमोज या तो बर्गर। तो लेट सपोज अगर तुम्हें मोमोज नहीं मिला तो तुम उसके बाद प्रेफर कर लोगे बर्गर को, या अगर तुमको मोमोज महंगे दिख रहे हैं तो तुम चले जाओगे पेप्सी पीने। पॉइंट समझे? यस सर, समझ गई। तो इट डिपेंड्स कि आपका सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जनरली जब अब जैसे ना मम्मी से पूछना तुम, तो मम्मी चाय पीती है कि नहीं पीती है? पीती है सर। कॉफी पीती है कि नहीं पीती है? पीती है। अब उनको शौक है चाय पीने का या नहीं पीने, या फिर नॉर्मल? उनके डिमांड के हिसाब से ये आपका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो जाता है। पॉइंट समझे? यस सर, समझ गए। अब मेरे पास सारे बच्चे जरा ध्यान से सुने, अब जरा तुम अपना माइक ऑफ करो, ध्यान से बेटा सारे बच्चे सुनना जरा, ठीक है? If the price of substitute good rises, yani price of coke rises, then the demand of given commodity rises. Given commodity मतलब its substitute product, yani किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? पेप्सी की राइज हो जाएगी, ठीक है? So अगर price coke का इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड पेप्सी की इंक्रीज हो जाएगी। और बेटा एक बात बताओ, अगर coke का प्राइस कम हो गया तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। सब बच्चों को समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन प्राइस के हिसाब से? यस सर। अब हम
अब हम आते हैं जरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। तो सबसे पहले उत्सव ने बोला कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब नहीं समझ में आया। चल उत्सव एक बात बताओ, कार खरीदने का शौक है? उत्सव तुम बोल सकते हो बेटा अभी? सर उसे खाने का एग्जांपल दो। अच्छा अच्छा सॉरी बेटा मेरी गलती हो गई। एक बात बताओ उत्सव, मोमोज खाने का शौक है? यस सर। अरे देखो बोल रहा था बेचारा है ना। हाँ सुनो 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 सर, मेरा सर मेरा क्वेश्चन है, बाकी सब बोल रहे हैं। हाँ भाई बाकी सारे नहीं बोलो, अभी सिर्फ इसकी बेइज्जती करेंगे प्लीज, सारे बच्चे शांत रहेंगे। एक बात बताओ, हाँ मोमोज खाने का शौक है ना? यस सर। उसके साथ क्या चाहिए होता है, मेयोनीज या चटनी? सर लाल वाली चटनी सर, बड़ी स्पाइसी होती है। अच्छा ओके 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 ठीक है, रेड चटनी ठीक है, रेड सॉस हमने कर दिया ओके। अब एक बात बताओ, हाँ क्या ऐसा हो सकता है मोमोज वाला तुमको सिर्फ मोमोज दे दे चटनी ना दे, तुम खाओगे? चाटी चटनी भी दिया है ना। ओके ओके सपोज करो मोमोज वाले ने बोला कि भैया आप लेट आए हो, मोमोज खत्म हो गए, चटनी रखी है, चटनी खाली खाओगे? सर नहीं है ना, शायद शायद खा लूंगा। हाँ तो तुम बहुत बड़े लीचर आदमी हो ना बेटा, ठीक है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने को, चाहे चटनी क्यों ना मिल जाए ना बेटे, है ना। सो लीचर पंथी छोड़ो, वी आर एज अ रैशनल कंज्यूमर, हमें एज अ रैशनल कंज्यूमर समझना है ठीक है। सो मोमोज के साथ तुम्हारा ये रेड चटनी जरूरी है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अगर हाँ अगर कोई ऐसे दो प्रोडक्ट्स है जिनका आपस में होना बहुत जरूरी है, मतलब आप उन दोनों को एक साथ ही यूज कर सकते हो, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, भाई तुमने कार खरीद ली, पेट्रोल नहीं डलवा रहे, कार किसी काम की है? नो सर। अच्छा सपोज करो तुमने कार खरीदी नहीं, रोज अपने घर में पेट्रोल का एक स्टॉक भरते चले जा रहे हो, वो भी किसी काम का है? नो सर। है ना ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि एक साथ यूज होते हैं, समझे? ओके सर, यस सर। अच्छा अब सारे बच्चे जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसका रिलेशन हमको बहुत संभल के और ध्यान से सुनना होगा। एक बात बताओ, हम प्राइस लेते हैं लेट सपोज पेट्रोल की, और बेटा हम डिमांड लेते हैं किसकी, कार की। अब मैं जो पूछूंगा सिर्फ वो बताना, सपोज करो पहले पेट्रोल 70 रुपीज का था, तो कार की डिमांड बेटा 70, अभी पेट्रोल 90 का हो गया, तो कार की डिमांड मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ कार आती है 5 से 10 लाख मिनिमम टू मिनिमम है ना। अब एक बात बताओ अगर 20 रुपए का पेट्रोल इंक्रीज हो गया, तो क्या तुम 5 लाख रुपए, मतलब जो आदमी 5 लाख रुपए की कार खरीद सकता है, क्या उसको 20 रुपए से फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। पॉइंट ओके ओके डन डन गॉट योर पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सो बेसिकली बेटा अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कार की डिमांड कम नहीं होती, कार की कंजप्शन डिमांड कम होती है, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल अभी ध्यान से सुनना सारे बच्चों, कंजप्शन डिमांड का मतलब समझना। सपोज करो पहले पेट्रोल 70 रुपीज का था, तो आप बेटा पूरे 7 के 7 डेज कार से ट्रेवल करते थे, अभी पेट्रोल इंक्रीज हो गया तो मे बी अब आप कार को सिर्फ 5 दिन या 6 दिन यूज करोगे, बाकी दिन हो सकता हो कोई और व्हीकल या फिर कोई और कन्वेंस यूज करो, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? Yes, sir. अब जरा अपने अपने डाउट पूछ लो, किसके किसके डाउट थे, क्या पूछ रहे थे? अरे ये बोलना था। हाँ ठीक है जस्ट, तुम्हारा क्या डाउट था? तो कुछ नहीं हो गया। ओके ठीक है, सो द बेसिकली बेटा अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कार की डिमांड नहीं बल्कि कार की क्या कम होगी, यूसेज भी बोल सकते हो और इधर आप उसको कंजप्शन डिमांड भी बोल सकते हो। अब जरा बेटा जल्दी से ये वाला पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक जल्दी से रीड करो बेटा, जल्दी से। जल्दी रीड करेंगे बेटा सारे बच्चे। डन सर। डन ओके सर। डन ओके। हरी अब गाइस जल्दी बच्चों। डन सर। ओके ओके पढ़ लिया सर। डन सर। ओके ओके एक बात बताओ सारे बच्चों को समझ में आ गया?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, ठीक है। अब हम आते हैं जरा बेटा मार्केट डिमांड के बारे में। पहले इसके बारे में जरा आप समझ लें कि मार्केट डिमांड होता क्या है। तो बेसिकली बेटा इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। अब जरा मैं इसका पहले एक एग्जांपल समझाता हूं, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो हम जरा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा। सपोज करो ये एक सेलर की शॉप है बेटा, ठीक है। ये ठहरा यहां पे एक सेलर, ठीक है। अब सपोज करो बेटा सेलर ने उत्सव को कुछ बेचा, ठीक है। सेलर ने सपोज करो बेटा प्रेरित को कुछ बेचा, ओके। सेलर ने बेटा सपोज करो सौम्या को कुछ बेचा, चलो ठीक है। सेलर ने सपोज करो एएमएस को कुछ बेच दिया, चलो अब बाद में देख लेंगे क्या बेचा है। अरे एक बात बताओ, अगर क्या सर उसने आपको बेच दिया? कौन था? अच्छा सर लास्ट में क्या बोला आपने? सामान बेचा, सामान बेचा सर, फिर ठीक है।